This is Sheetal Vyas, and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, today we are going to start a story. The name of the story is A Game of Chance. But before you read this story, I want to ask you some questions. Have you ever won anything in a lucky dip or other such game of chance? Do you like such games? Do you know what is the game which is lucky dip? Lucky dip is a game in which small prizes are concealed or hidden in some container, and the participant has to choose some prize or some chits, or we can say something at random. If you are lucky enough, then you will get a bigger prize but if you are not lucky on that day maybe you will not get anything friends these days you all are used to play internet games or online games in that generally maybe you are also playing such type of spin wheels lucky wheels or scratch the number some type such, such type of games even in television also you are watching so many advertisements in that maybe you are just watching that the advertiser is announcing that if you will call or if you will give a missed call in the, on the given number, maybe you will have a chance to win some special prizes or some special trips. But do you believe in this? Do you think that these lucky dips are real games? let us read this story and we will know that what happened with the character of the story here you can see that this is the lucky shop some prizes are kept over there and some players or participants are just enjoying the game every year on the occasion of eid There was a fair in our village. क्या कह रहा है कैरेक्टर जो है हमारी स्टोरी का वो क्या कह रहा है कि हमारे गांव में ईद के मौके पर ओकेजन मतलब कोई जो अवसर होता है जो मौका होता है ईद के मौके पर हमेशा फेयर लगता है हर साल उनके विलेज में ऐसा फेयर होता है आपको पता है ना फेयर क्या होता है फेयर इज अ गैदरिंग ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस और वहाँ पे क्या होता है ट्रेडिंग होती है यानी बिजनेस होता है ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज हालांकि ईद कब सेलिब्रेट की जाती है एक ही दिन के लिए सेलिब्रेट की जाती है लेकिन ये जो मेला लगता है ये बहुत दिनों तक चलता है लास्टेड का मतलब होता है कंटिन्यू फॉर अ स्पेसिफिक टाइम तो ये जो मेला होता है फेयर मतलब मेला ये जो मेला होता है वो बहुत दिनों तक चलता है ट्रेड्स मैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड ऑफ गुड्स टू सेल फार एंड वाइड का मतलब दूर दूर से और ट्रेड्समैन का मतलब जो बिजनेसमैन या शॉपकीपर्स जो होते हैं वो लोग जो अपनी चीज़ों को बेचते हैं तो जो ट्रेड्समैन होते हैं वो दूर दूर से अपनी चीज़ों को बेचने के लिए वहां पर आते थे ऑल काइंड ऑफ गुड अलग अलग तरीके की जो उनका सामान था वो बेचने आते थे यू कुड बाय एनी थिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू बिग बफेलो यहाँ तक कि कितनी वैरायटी होती थी वहां पर कि आप एक पिन से लेकर छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी बफेलो तक वहां पर आप परचेज कर सकते थे नाउ वट अवर हीरो ऑफ द स्टोरी सिंग अंकल टुक मी टू द फेयर भैया हु वर्कड फॉर एस एट होम केम विथ एस जो स्टोरी का हमारा मेन हीरो है वो कह रहा है कि उसके जो अंकल थे वो उसको फेयर में मेले में लेकर गए और वो भैया जो घर पर उनके काम करता था उनके लिए वो भी उनके साथ आया था देर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर जब उन्होंने मेले में गए तो क्या देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ा क्राउड था बहुत भीड़ थी क्राउड मतलब सो मैनी पीपल्स गैदरिंग ओवर दर वो सब वहां पर इकट्ठे हुए थे अंकल वॉज लीडिंग अर् थ्रू द क्राउड वैन ही मैट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स लीडिंग करना मतलब आगे चलना और वो दोनों उनके पीछे चल रहे थे तो अंकल आगे चल रहे थे भीड़, भीड़ से हमको निकालते हुए बचाते हुए हमें लेके जा रहे थे तभी उनको कौन मिला उनके कुछ दोस्त मिल गए दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड समाइम विथ दैम और क्या हुआ कि जो जब हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं तो क्या चाहते हैं कि हम उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें तो इसी तरह से कैरेक्टर के जो अंकल थे हमारे हीरो के जो अंकल थे उन्होंने क्या कहा कि कुछ समय हमारे साथ स्पेंड करो अंकल आस्क मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक अब अंकल ने क्या कहा अंकल ने उनसे पूछा कि क्या तुम मेले में भैया के साथ घूमना पसंद करोगे जब तक मैं वापस आ जाऊंगा आई वॉज हैप्पी टू डू दैट और उसे बहुत अच्छा लगा उसको तो बहुत खुशी हुई कि चलो अब मैं मेले में घूम सकूंगा अंकल वॉन्ड मी नाइदर बाय एनीथिंग नोट टू गो टू फार बट वाइल ही वॉज अवे सॉरी आउट वाइल्ड ही वॉज अभी क्या कहा अंकल ने वॉर्न किया वॉर्न करना मतलब जब हम किसी को अलर्ट करते हैं कि देखो ऐसा मत करना दैट इज़ वॉर्न वार्निंग देना अंकल ने वॉर्न किया कि न तो तुम कोई चीज़ खरीदोगे और न ही बहुत दूर जाओगे जब तक कि मैं थोड़ी देर के लिए वापस आता हूँ आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम और मैंने भी प्रोमिस किया कि ठीक है मैं उनका इंतज़ार करूंगा यानी कि मैं कोई चीज परचेज नहीं करूंगा बाय नहीं करूंगा और मैं कहीं दूर भी नहीं जाऊंगा मैं अंकल का वेट करूंगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप भैया और मैं अलग अलग शॉप पर जाते रहे एक दुकान से दूसरी दुकान तक हम घूमते रहे देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न वहाँ अब जब आप मेले में घूमने जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी बहुत अच्छी होंगी और आप उसे खरीदना चाहेंगे लेकिन क्या हुआ था अंकल ने मुझे ख़रीदने से मना किया था दैट्स वाई मैंने अंकल का वेट किया देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप और फिर हम कहाँ पहुँचे हम पहुँचे एक शॉप पर जिसका नाम था लकी शॉप द शॉपकीपर वॉज ना इधर यंग नोर ओल्ड न तो शॉपकीपर बूढ़ा था और न ही बहुत छोटा या यंग था ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन वह मतलब एज का था बीच में जो ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा था ही सीम्ड ना इधर टू स्मार्ट नोर टू ले और वो कैसा दिख रहा था न तो वो बहुत ज़्यादा चालाक नज़र आ रहा था और न ही वो कोई बहुत लेजी था हाँ ठीक ठाक था ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देअर लक और वह सबसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि सब लोग आए और लक ट्राई करें देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम वन टू टेन फेसिंग डाउन और क्या था टेबल के ऊपर कुछ डिस्क रखी हुई थी जिन पर क्या था नंबर लिखा हुआ था वन टू टेन तक और वो नीचे की तरफ फेसिंग डाउन यानि कि नीचे की तरफ उनको करके रखा हुआ था ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे फिफ्टी पैसे पिकअप एनी सिक्स डिस्क एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्ड फाइंड द टोटल अब आपको क्या करना था यानि पार्टिसिपेंट को क्या करना था उसे पचास पैसे पहले पे करने थे पहले चाहो पुराने समय में अब तो सिर्फ एक ही रुपया चलता है लेकिन आप में से काफ़ी जनों ने सुना होगा कि पहले पचास पैसे का कॉइन भी चलता था पचास पैसे भी पहले चलते थे तो उस वक्त क्या करना था उन्हें पचास पैसे पे करने थे और कोई भी सिक्स डिस्क उठानी थी फिर उनमें जो नंबर लिखे हुए आ रहे थे उनको ऐड करना था और उसका टोटल निकालना था द आर्टिकल मार्क्ड विथ दैट नंबर वॉज योर्स और सपोज़ आपने जब टोटल किया तो आपका नंबर आया फिफ्टीन तो फिफ्टीन नंबर पे जो भी आर्टिकल यानी जो भी प्राइस रखा है वो आपका हो जाता लेकिन ये लकी डिप था क्योंकि आपको उन नंबर्स को पहले रेंडमली चूज़ करना था और ऐड करने के बाद जो भी नंबर आया वो सर्टेन तो नहीं है आपको तो नहीं पता कि नंबर क्या आएगा और आपको ये भी नहीं पता कि उस नंबर पे प्राइस क्या होने वाला है तो ये एक तरह का लक का गेम था जिसमें आपको चांस लेना था कि अगर आप नंबर चूज करते हैं और उनको ऐड करते हैं तो फाइनली आपको क्या प्राइस मिलता है नाउ वट माई हीरो सिंग मैंने आपको बताया नहीं इस कैरेक्टर का नाम है राशिद और अब हम जो स्टोरी हम सुन रहे हैं वो राशिद हमें अब सुना रहा है तो राशिद ने क्या बताया फिर हमें एन ओल्ड मैन पेड फिफ्टी पैसे एंड सेलेक्टेड सिक्स डिस्क अब क्या किया ओल्ड मैन ने उसने फिफ्टी पैसा पे किया और छः डिस्क जो है वो उसने सेलेक्ट कर ली ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज फिफ्टीन उसने क्या किया ओल्ड मैन ने अपने सारे नंबर्स को ऐड किया तो फिफ्टीन आया ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड फिफ्टीन विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक और उस ओल्ड मैन को क्या मिली फिफ्टीन नंबर पे जो आर्टिकल रखा था वो एक बहुत ही सुंदर क्लॉक थी तो उस ओल्ड मैन को वो क्लॉक मिल गई बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक क्लॉक लेकिन उस ओल्ड मैन को क्लॉक की ज़रूरत नहीं थी द शॉप कीपर ऑबलाइज हिम बाय buying इट बैक फॉर फिफ्टीन rupees द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी pleased अब ओल्ड मैन ने कहा कि मुझे इस क्लॉक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है यानी मुझे ये प्राइस नहीं चाहिए तो शॉपकीपर ने क्या किया ओबलाइज्ड किया ऑबलाइज करना मतलब हम कहते हैं ना किसी को खुश करने के लिए उसकी हेल्प करना एहसान करना तो शॉपकीपर ने उसकी हेल्प करते हुए उसके ऊपर एहसान करते हुए यानी कि उसकी एक तरह से हेल्प ही हुई क्या किया उसने उस क्लॉक को वापस बाय कर लिया फिफ्टीन रुपीज़ में नाउ यू सी ओल्ड मैन ने फिफ्टी पैसे दिए थे लेकिन शॉपकीपर ने फिफ्टीन रुपीज़ में अपनी ही क्लॉक को वापस परचेज कर लिया तो ओल्ड मैन को फ़ायदा हुआ फोर्टीन रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा का दैट्स वाई द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज और इस तरह से ओल्ड मैन बहुत खुश होते हुए चला गया Then a बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आय ट्राइड हिज लक अब आगे राशि क्या कहता है कि उसके बाद एक लड़का आया जो मुझसे थोड़ा बड़ा था उसने अपना लक ट्राई किया He got a comb worth ट्वेंटी paise. अब उस लड़के ने क्या जीता था उसने एक कॉम जीता था जिसकी की कीमत कितनी थी पच्चीस पैसे द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर happy nor sad. शॉपकीपर को ना तो अब खुशी हुई ना ही उसको दुख हुआ क्यों क्योंकि ट्वेंटी फाइव पैसा में कोई बहुत बड़ा उसको लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर ट्वेंटी फाइव पैसे और उसने क्या किया वापस उस लड़के क्योंकि वो लड़का भी उस कॉम में इंटरेस्टेड नहीं था इसलिए शॉपकीपर ने वापस उस कॉम को ट्वेंटी फाइव पैसे में परचेज कर लिया तो अब बॉय ने फिफ्टी पैसा खर्च करके ट्वेंटी फाइव पैसा वापस गेन कर लिया बॉय ट्राइड हिज लक अगेन अब वो जो बॉय आया था वहां पर उसने अपना लक दूसरी बार ट्राई किया और फिर से उस गेम को खेला ही नाउ गोट अ फाउंटेन पेन वर्थ रुपीज वर्थ थ्री रुपीज कितने का पेन था अब वो थ्री रुपीज का पेन था हालांकि उसने पैसे कितने खर्च किए फिफ्टी पैसा देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ ट्वेंटी फाइव रुपीज

एंड अ गुड डील ऑफ कैश और क्योंकि उस बॉय ने भी क्या किया सारी चीजें वापस शॉप कीपर को बेच दी उसने अपनी सारी चीजों को सेल कर दिया तो कहा उसने फिफ्टी फिफ्टी पैसा करके कुछ बार यानी थ्री या टू फोर टाइम्स उसने ये लक का गेम खेला था और हर चीज को जब उसने दोबारा सेल आउट कर दिया तो कभी उसको ट्वेंटी फाइव रुपीज़ मिले तो कभी टेन रुपीज़ या थ्री रुपीज़ उसको रिटर्न में मिले तो इस तरह से वो जो लड़का था वो खुशी खुशी चला गया क्योंकि उसको बहुत सारा कैश रिटर्न में मिला था दिस वॉज टोटली हिज लक सिर्फ बाई चांस उसको उसके गेम से इतनी सारी चीज़ें मिली और इस तरह से उसने इतने सारे पैसे कमाई आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू राशिद ने क्या सोचा राशिद ने सोचा कि मैं भी अपना लक आजमाना चाहता हूँ आई लुकड एट भैया और उसने भैया की तरफ देखा ही इनकरेज मी और भैया ने भी उसको एनकरेज किया कि हाँ हाँ तुम्हें खेलना चाहिए आई पेड फिफ्टी पैसे एंड टुक सिक्स डिस्क और जैसा कि दूसरे पार्टिसिपेंट कर रहे थे राशिद ने क्या किया फिफ्टी पैसा पे किया और फिर सिक्स डिस्क को ट्राई किया माई लक वॉज नॉट टू गुड लेकिन मेरा लक यानी राशिद कह रहा है कि मेरा लक बहुत अच्छा नहीं था आई गॉट टू पेंसिल्स क्या मिली उसको फर्स्ट गेम में फर्स्ट गेम में उसे टू पेंसिल्स मिली द शॉपकीपर बॉट डैम फ्रॉम मी फॉर ट्वेंटी फाइव पैसे और शॉपकीपर ने वापस उनको परचेज कर लिया लेकिन ट्वेंटी फाइव पैसे में आई ट्राइड अगेन दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू इस बार उसको गेम में इंक के लिए एक बॉटल मिली इंक की जो बॉटल होती वो उसको गिफ्ट में मिली या प्राइज़ में मिली लेकिन उसकी भी कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं थी बहुत ही कम कीमती थी वो द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर ट्वेंटी फाइव पैसे और शॉपकीपर ने वापस वो जो इंक बॉटल थी वो भी ट्वेंटी फाइव पैसे में मुझसे परचेज कर ली बहुत कर ली आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी और इस बार राशिद ने थर्ड टाइम ट्राई किया लेकिन इस बार भी लक ने उसका साथ नहीं दिया आई हैड होप्स ऑफ विनिंग बिग प्राइज़

क्या मिला उसको ट्राइफल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कीमती ना हो या हम कह सकते हैं जिसकी वैल्यू या प्राइस बहुत कम हो लेकिन जितनी बार भी राशिद ने वो गेम खेला उसको बहुत ही हल्के या सस्ते भाव की चीज़ें ही मिली एट लास्ट आई वॉज़ लेफ्ट विथ ओनली ट्वेंटी फाइव पैसे और गेम खेलते खेलते उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए और फाइनली अब उसके पास सिर्फ ट्वेंटी फाइव पैसे बचे अगेन द शॉपकीपर शोड राशिद को क्या लगा कि शॉपकीपर ने फिर अपनी काइंडनेस दिखाई और कहा आइदर पे प्ले वंस मोर विथ ट्वेंटी फाइव पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर क्या कहा शॉपकीपर ने उसका क्या लगा राशिद को कि शॉपकीपर कितना काइंड है और उसने उसे कहा कि वो चाहे तो एक बार और अपना लक आजमा सकता है ट्वेंटी फाइव पैसे के साथ यानी इस बार शॉपकीपर ने उसे कहा कि तुम्हें पचास पैसे देने की जरूरत नहीं है देर इज़ नो नीड टू पे फिफ्टी पैसे विथ ट्वेंटी फाइव पैसे ऑल्सो यू कैन गेम प्ले द गेम अदरवाइज यू कैन सेटल योर अकाउंट हियर ओनली यानी यहाँ पर तुम चाहो तो अपना अकाउंट बंद कर दो गेम खेलना बंद कर दो बट आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट ट्वेंटी फाइव पैसा ऑल्सो डिसद ने फिर लास्ट चांस लिया और जैसा कि शॉपकीपर ने कहा था कि तुम ट्वेंटी फाइव पैसे से भी ये गेम खेल सकते हो और राशिद ने जब खेला तो इस बार उसके वो रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव पैसे थे वो भी शॉपकीपर के पास चले गए पीपल वर लुकिंग एट मी जो आसपास के लोग खड़े थे वो सब राशिद को देख रहे थे सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिम्फिटी और उसमें से कुछ लोग जो थे वो क्या कर रहे थे वो तो राशिद पे हंस रहे थे क्यों हंस रहे थे क्योंकि उसका बेड लग जो हो गया था तो सब लोग उसके लिए उसके ऊपर हंस रहे थे बट नो वन शोड एनी सिम्फी लेकिन किसी ने मेरे लिए कोई दुख नहीं प्रकट किया सिम्फी मतलब जब किसी आपके साथ कोई मिस हो जाती है या आपके साथ कोई बैड लक हो जाता है तो लोग आपको ऐसे कहते हैं ना पिटी फील करते हैं आपके लिए करे बेचारे के साथ ऐसा हो गया बट वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरी मिस यानी कि राशिद की मिस फॉर्चून के लिए उसको सिम्फी दिखाए भैया एंड आई वेंट टू प्लेस वेर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न और फाइनली राशिद और भैया दोनों कहाँ चले गए उस प्लेस पे चले गए जहाँ अंकल ने उन दोनों को छोड़ा था और वेट करने के लिए कहा था प्रेजेंटली ही केम और फिर वो आ गए अंकल ही लुक्ड एट मी एंड सैड राशिद यू लुक अप सेट वॉट इज द मैटर अंकल ने मेरी तरफ जब मैं मुझे देखा तो उन्हें लगा कि मैं उदास हूँ तो उन्होंने मुझे देख कर क्या कहा कि राशिद तुम अपसेट लग रहे हो थोड़े उदास लग रहे हो वॉट इज द मैटर क्या बात है आई डिड not से एनीथिंग लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका मूड ऑफ था राशिद का मूड बहुत ऑफ था उसका लक उसके साथ नहीं था उस दिन भैया टोल्ड हिम वॉट हैड हैपन लेकिन भैया ने सारी बात अंकल को बता दी अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड लेकिन अंकल न तो बहुत गुस्सा हुए और न ही दुखी हुए ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी और उन्होंने क्या किया स्माइल किया और उसकी पीठ थपथपाते हुए क्या कहा ही लुक ही टुक मी टू अ शॉप एंड वॉट मी अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स देन वी रिटर्न होम और राशिद को खुश करने के लिए भी और क्योंकि वो तो फेयर में आए थे तो कुछ उन्हें परचेज करना था तो राशिद को वो अंकल कहाँ लेके गए शॉप्स पे लेके गए उसके लिए एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला कुछ बिस्किट्स और कुछ मिठाई खरीदी और कुछ दूसरे लिटिल गिफ्ट्स भी स्मॉल गिफ्ट्स भी उसके लिए खरीदे एंड देन वो रिटर्न होने लगे अपने घर की तरफ बैक होम अंकल टोल मी डैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी और जब हम घर की तरफ जा रहे थे तो अंकल ने क्या कहा राशिद को कि वो जो लकी शॉप वाला जो मैन था यानी वो जो शॉपकीपर था उसने तुम्हें बुद्धू बनाया है उसने तुम्हारा फूल बनाया है नो no, अंकल आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक बट राशिद को अभी भी ये बात समझ में नहीं आई थी तो राशिद ने कहा नहीं अंकल ये तो मेरा बैड लक था जो मुझे कोई प्राइज नहीं मिला नो माई बॉय सैड अंकल लेकिन अंकल ने कहा नहीं ऐसा नहीं है इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक अंकल ने क्या कहा न तो ये गुड लक की बात है और न ही बैड लक की बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग टू और थ्री कॉस्टली थिंग्स बट राशिद को अभी भी मानना नहीं था राशिद नहीं समझ पा रहा था इस बात को तो उसने अंकल से कहा कि लेकिन अंकल मैंने देखा था कि एक ओल्ड मैन को क्लॉक मिली थी और एक दूसरा बॉय भी था जिसको तो टू थ्री कॉस्टली गिफ्ट्स मिले थे तो इट मींस ये तो मेरा बैड लक था कि मुझे कुछ नहीं मिला इस पर अंकल ने क्या कहा अंकल ने कहा यू डोंट नो चाइल्ड बच्चे तुम नहीं जानते हो ड दैट दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर वो जो ओल्ड मैन था और वो जो बच्चा आया था या वो जो बॉय आया था वो क्या था शॉप कीपर के वो फ्रेंड्स थे देवर प्लेइंग ट्रिक्स टू टैम्प्टू टू ट्राई योर लक ये लोग क्या करते हैं ये ट्रिक्स प्ले करते हैं यानी वो तो उनकी एक चाल थी ताकि तुम्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं टेम्प्ट करना मतलब अट्रैक्ट करना किसी चीज के लिए ताकि वो तुम्हें अट्रैक्ट कर सके ताकि तुम भी अपना लक ट्राई करो दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट क्या चाहता था शॉपकीपर शॉपकीपर को सिर्फ तुम्हारी मनी से मतलब था और उसको वो सारी मनी मिल गई क्योंकि हमने देखा कि राशिद ने जब गेम खेला और उसका बैड लक हुआ यानी उसको कोई भी अच्छा वर्दी प्राइज़ नहीं मिला लेकिन धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो गए नाउ फॉर गेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस लेकिन अंकल ने उसको समझाते हुए कहा कि चलो अब इसे भूल जाओ लेकिन किसी को भी अपने बैड लक के बारे में या अपनी फुलिशनेस यानी अपनी मूर्खता के बारे में मत बताना तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पर फिनिश होती है नाउ फ्रेंड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द मैसेज फ्रॉम द स्टोरी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों को भी कभी भी लक में बिलीव नहीं करना चाहिए इंटरनेट पे आए दिन बहुत सारे गेम्स आप प्ले करते हैं प्लीज़ कभी भी किसी भी गेम को आप अननेसेसरीली प्ले न करें स्पेशली उसमें जिसमें आपको ऐसा कुछ कहा गया हो कि ऐसा स्क्रैच करने से आपको लाखों रुपए मिलेंगे या ये गेम खेलने से आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे दीज आर रियली फ्रॉड्स ये सिर्फ हमें धोखा देने के लिए हमारे जो हमारी मनी होती है उसको लूटने के लिए यू कैन से इट जस्ट लूट वो सिर्फ हमें बुद्धू बनाते हैं लेकिन एक्चुअली ऐसे बहुत ही रेयर गेम्स होते हैं जो रियल हों बट स्टिल यू आर चिल्ड्रन, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड टोटली सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू देन डोंट स्पेंड योर टाइम इन दीज फुलिश गेम्स एंड डोंट प्ले सच टाइप ऑफ लकी गेम्स Because they are trying to make you fool. I hope you will be alert. You will not play such games in future. So, this was the message of this story that there is nothing like good luck or bad luck. Friends, I hope you like this story. In our next lecture, we will read a poem written by Ravindranath Tagore. Till then, have a nice day. Jai hind everyone.